आई जस्ट वॉन्ट अ रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज स्टॉप हेटिंग ऑन अभिनव अरोड़ा, स्टार्ट हेटिंग ऑन हिज फादर मैन. कम ऑन यार. सी, एज एन ऑडियंस मुझे पता है तुम इतने गवार नहीं हो कि तुम्हें हर यूट्यूब वीडियो में हर यूट्यूबर से समझना पड़े कि अभिनव अरोड़ा जो भी कर रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है. इन सब के पीछे का जो मास्टर माइंड है वो उसके पापा है. अभिनव ने सिर्फ दो तीन श्लोक याद कर लिए, बस दैट्स इट, और उसे कुछ नहीं आता. एंड ही इज नथिंग लेस देन अ स्लेव टू हिज ओन पेरेंट्स. एंड मुझे पता है सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है हम सब हमारे बचपन को क्यों मिस करते हैं, क्योंकि यार वो फेज ऐसा था, कोई टेंशन नहीं रहती थी, कोई प्रेशर नहीं रहता था, किसी चीज का बर्डन नहीं रहता था, हम कुछ भी कर सकते थे, बहुत फ्री फील होता था. पर अभिनव के बाप को उसकी इतनी खुशी भी देखी नहीं गई. अभिनव के पापा ने सिर्फ अभिनव का फ्रीडम नहीं, उसका बचपन भी छीन लिया. आई एम लोकी फीलिंग सैड फॉर अभिनव. एंड सी, देखो यार, मेरे से ना कोई सीरियसनेस एक्सपेक्ट मत करना, मैं सिर्फ बकचोदी करने आया हूँ. तुम सब इतने समझदार हो कि तुम्हें पता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या हो रहा है, तो ये वीडियो को सिर्फ मजे के लिए देखो, ठीक है? चिल रहो थोड़ा. एट द रेट अभिनव अरोड़ा ऑफिशियल. एक तो जो लोग अपने अकाउंट में ऑफिशियल लिखते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा लोग कम सीरियसली लेते हैं. इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर. देखो, मैंने पहले ही बोला अभिनव की गलती नहीं, उसके बाप को ब्लेम करो. सो ऑब्वियसली इंस्टा बायो भी अभिनव के पापा ने ही लिखा है, क्योंकि अभिनव है 10 साल का, उसे घंटा नहीं पता ओरेटर मतलब क्या होता है. एंड फॉर दोज हु डोंट नो, सो एन ओरेटर इज बेसिकली समवन हु डज पब्लिक स्पीचेस. एंड जिन लोगों को भी नहीं पता था, सो इट्स ओके, अपनी लैंग्वेज वैसे भी संस्कृत और हिंदी है. बाहर के लोगों को भी हिंदी के बहुत से वर्ड्स नहीं पता होंगे. लेट्स बी ऑनेस्ट, फॉरेनर्स को जितनी हिंदी आती है ना, उससे तो बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है इंडियंस को. सो वी शुड बी प्राउड, वी नो अबाउट बोथ वर्ल्ड्स, वी नो बोथ लैंग्वेजेस. साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा. अभिनव व्हेन ही फाइंड्स आउट कि उसका दोस्त लीड पेंसिल यूज करता है और ये अभी भी नटराज पे. अभिनव आफ्टर सीइंग हिज फ्यूचर ट्रॉमास. अभिनव आफ्टर रियलाइजिंग कि दुश्मनों की क्या जरूरत जब बाप ही ऐसा हो. No wonder we live in Kaliyug. भक्ति के नाम पर भगवान का मजाक बना कर रख दिया. You know, I don't even oppose devotion जिसमें तुम भगवान से क्लोज फील करते हो. You know, तुम एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो कि यू डोंट सी देम एज गॉड, यू जस्ट स्टार्ट सीइंग देम लाइक योर ब्रदर, फ्रेंड और वॉट एवर. तुम्हें अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाने का मन करता है, उनसे मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है, लेकिन ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा भगवान में डूबने के बाद आती है. और वो डूबने की प्रोसेस डिमांड्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, जो कि अचीवेबल है लेकिन बहुत टाइम के बाद. और ये बच्चा भाई अभी अंडे से नहीं निकला, इसको अभी ये नहीं पता होगा कि भाई सिजुका सीक्रेटली लव्स नोबिता और वो आगे चल के नोबिता से ही शादी करती है. इसे अभी ये नहीं समझता होगा कि इसके मम्मी पापा रात में इसको उनके बीच क्यों नहीं सुलाते. कृष्ण भगवान को अपना छोटा भाई बोलते. संसार का रचेता तुम्हारा छोटा भाई होगा या तुम इतने बड़े हो गए भक्ति में कि तुम उसको अपना छोटा भाई बना रहे. रुको जरा, सबर करो. हमारे ब्रज में तो खूब आशीष देते हैं ठाकुर जी को, आशीष. एक स्पिरिचुअल रील में, आई रिपीट, एक स्पिरिचुअल रील में हिंदुस्तानी भाव की क्लिप. इसके पापा एट दिस पॉइंट ड्रग्स भी नहीं कर रहे, पात का ही नशा कर ले रहे, क्या कर रहे भगवान जाने भाई. दिस पिस्ड मी ऑफ हिंदुस्तानी भाव. आई प्रे टू गॉड कि आप अरोरा जी के पापा जी को सद्बुद्धि दें. राधे राधे जी, अगर आपका कोई भी शुभ कार्य अटक रहा हो नहीं पा रहा हो, तो आप गोपाष्टमी के दिन गाय माता के कान में जाकर के वो कह दे, वो अवश्य पूरा होगा. खुद का होमवर्क हुआ नहीं होगा, दूसरों का कार्य करवाएगा. अच्छा खैर, होमवर्क होगा भी कैसे, ये स्कूल ही नहीं जाता होगा. खैर जाएगा भी कैसे, बाप जाने ही नहीं देता होगा. जाने भी क्यों दे, घर पे पैसा कैसे आएगा. फिर तन्मय भट्ट की ओजी गैंग से ज्यादा टैक्स मार दिए. और अगर तुम्हें नहीं पता टैक्स मतलब क्या होता है, सो इस वीडियो से कुछ नया सीख के जाओ. सुनो, सो बेसिकली अपन एक जोक बिल्डअप करते हैं और आखिरी में जो मेन लाइन रहती है जिसको अपन पंच लाइन कहते हैं, वो जोक डिलीवर करता है. लेकिन कॉमेडी का एक और पार्ट होता है पंच लाइन डिलीवर होने के बाद, जब तुम उसी जोक को एक के बाद एक लेयरिंग करते रहते हो, तो वो लेयर कहलाती है टैग्स, जैसा कि मैंने अभी किया. एन एग्जाम्पल के लिए, इंडियन कॉमेडियंस में सबसे अच्छी ये टैग कॉमेडी समय रैना करता है. देखो, मैंने तुम्हें एक नई चीज सिखाई वीडियो में, थैंक्स मी लेटर. वैसे थैंक्स से याद आया,
थैंक्स टू अभिनव के पिताजी कि अभिनव को इतनी सी एज में अब डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। चलो ये सब तो ठीक है, पर आंटी के तिल कितने सही है ना, मेरा ओसीडी इतना सेटिस्फाइड फील कर रहा है ना, एक तिल बिल्कुल यहाँ, दूसरा बिल्कुल यहाँ, और आंटी ने भाई मैचिंग के लिए बिंदी भी लगा रखी, भाई तीनों ट्रायंगल बना रहे, इल्यूमिनाटी। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। ये कैसा वियर्ड फ्लेक्स है, अगर पापा बेटे से इतने कांड करवाएंगे तो कॉल्स तो आएंगे ही। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30-4 बजे के करीब एक मैसेज आता है, और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। इट्स जस्ट सैड मैन, लाइक अभिनव के मॉम दैट दे रियली फेल्ड एज पेरेंट्स, लाइक आई डोंट नो उसके पापा पैसों में अंधे हो गए या फेम में, लेकिन अगर उनके अच्छे भी इंटेंशंस थे कि उनके बच्चे का करियर सिक्योर हो जाता, वॉट एवर जो भी उनके इंटेंशंस थे, बट द कंक्लूजन इज दे फेल्ड एज पेरेंट्स, एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि गॉड ब्लेस अभिनव, एंड भाई उसको अपने सही गलत डिसीजंस खुद से लेने की अकल आ जाए, क्योंकि भाई इसके पापा पे तो डिपेंड नहीं हो सकते, इसके पापा के उतने ही ब्रेन सेल्स हैं जितने उनके सर पे बाल। भाई ये लड़का सही में न्यूज चैनल्स पे जा रहा है, ही इज डिबेटिंग विद द न्यूज रिपोर्टर्स एंड पीपल हैविंग रिलीजियस नॉलेज, एंड जस्ट इमेजिन द प्रेशर ही इज गोइंग थ्रू। नहीं है जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। अभी आप एटीट्यूड किसमें दिखाते हैं? एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कब तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक बात है, इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है, अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे? जी जी। ही इज जस्ट अ किड मैन, लाइक 10-year-old किड। तुम्हें पता है मैं इतना बड़ा होके भी न्यूज नहीं देखता, एंड मैंने कभी नहीं देखी, एंड मेरा आगे भी न्यूज देखने का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को न्यूज चालू करते से ही टॉक्सिसिटी फील होती है। आई होप यू गाइज विल ऑल्सो रिलेट विथ मी कि स्पेशली इफ आई एम ईटिंग समथिंग, एंड भाई कभी मेरे पापा भाई न्यूज चालू कर देते, आई जस्ट कैन नॉट हैंडल इट, बिकॉज न्यूज चैनल्स आर जस्ट फुल ऑफ नेगेटिविटी। एंड भाई अगर तुम देश के किसी न्यूज चैनल में जा रहे हो, जाके यू आर सपोज टू टॉक विथ मैच्योरिटी, यू आर सपोज टू एक्ट लाइक एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, पर वहां पे जाके ऐसे गवार जैसे सब्जी मंडी जैसे लड़ाई होती है। मुझे कभी भाई ये न्यूज बिहेवियर्स ही नहीं समझ आते, भाई तुम वहां टीवी पे गए हो, अगर तुम इतने बड़ी एक स्टेज पे हो, किसी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, थोड़ा सा भाई जेंटलमैन की तरह तो बिहेव करो, धीरे बात करो, मैच्योरली बात करो, अपने पॉइंट्स अच्छे से रखो, पर नहीं सबको चिल्लाना है। मैं तो बहुत नेगेटिव फील करता हूँ, और भाई तुम ये 9-10 साल के बच्चे के बारे में सोचो, इस एज में जो भी फीड होता है ना, आगे चल के बच्चा वही बनेगा, आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही मोल्ड होगी, एंड इतनी सी एज में मैं हैंडल नहीं कर पाता भाई, वो उस नेगेटिविटी में बैठ रहा है जाके, लोग उस पर चढ़ रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसकी बेइज्जती हो रही है लिटरली कॉमेंट सेक्शन में, every other reel तुम उठा के देख लो, सिर्फ इसको हेट कॉमेंट्स आ रहे हैं, अभिनव को गालियां पड़ रही है, हेट हो रहा है, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, एंड भाई अब इसके पापा भाई सारे रील्स में कॉमेंट्स लिमिट कर रहे हैं। आई होप भाई अभिनव विल फाइंड हिज पीस। खैर तुम्हारे लिए इस वीडियो से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अपने ड्रीम्स खुद चूज करो, ताकि अभिनव के पापा जैसे लोग भाई तुमको गलत जगह पे इन्फ्लुएंस ना कर दे। एंड भाई लाइफ में मैं तो बोलूंगा हर चीज में, बट स्पेशली करियर वाइज, जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलती है फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हैप्पीनेस, एंड भाई जिससे लड़ाई करनी पड़े करो, पर हाँ जो भी डिसीजन लोगे खुद से लेना, ताकि तुम अगर अनसक्सेसफुल भी होते हो तो तुम किसी और को ब्लेम ना करो, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानो, और अगर तुम सक्सेसफुल भी होते हो तो फिर तो जो नेक्स्ट लेवल प्राउड होगा ना भाई कि या आई फकिंग डिड इट। बट इसी पॉजिटिव नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, अपने सपने खुद चूज करो, फॉलो योर ड्रीम्स, डाई फॉलोइंग इट, चेज योर ड्रीम्स, डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू, जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलती है वो करो, और भाई तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच में जो भी आ रहा है ना, डजंट मैटर तुम्हारा कोई क्लोज बंदा हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, डजंट मैटर, जो भी तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच में आ रहा है, मां चोद दो, पर अपने सपने पूरे करो। I'll see you in the next one. Till then, feel that. Bye. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest. I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit. So I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawest.